Hello traders and welcome back to your favorite YouTube channel Pro Securities by your friend by your mentor Himanshu Meghlani. So traders, this is the video on options trading ke upar which I promised aapko last analysis provide kiya tha. Usme aapko ek target diya tha that if you hit 3000 likes so main aapko ek options ke upar ek dhamakedar video ek dhamakedar analysis provide karunga. Ek aisa session jiski help se aap option trading mein bada paisa kaise kama sakte hain ये सीखेंगे राइट. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग अबाउट ऑल दोज कंसेप्ट्स जो आपको फॉलो करने हैं जिसकी हेल्प से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा पैसा कमा सकते हैं. सो पहला टास्क आपका क्या है कि आपको वीडियो पूरा देखना है बिकॉज ज्ञान पूरा लेके जाइएगा, अधूरा लेके जाएंगे तो डिफिकल्टी आपको होगी, दिक्कत आपको होगी राइट. सो पूरा ज्ञान लेके जाइएगा. दूसरी चीज़, अगर आप इस वीडियो पे आई विल कीप अ टारगेट ऑफ 5000 लाइक्स, ज़्यादा नहीं है, 5000 लाइक्स का टारगेट रखती है. अगर आप 5000 लाइक इस वीडियो पे कर देते हैं सो मैं इस सीरीज़ का कॉन्टिन्यूएशन आपको प्रोवाइड करूँगा. दैट मीन्स आगे और ऑप्शन से रिलेटेड मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करूँगा विच विल बी गुड फॉर योर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग राइट. सो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस, अपना सेशन. अब मिलते हैं आपसे इंट्रो के बाद. सो ट्रेडर्स वेलकम बैक. एज यू कैन सी दैट वी गाइज आर ऑन चार्ट्स. चार्ट्स है आपके सामने. यहाँ पे मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाया है. निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे एंड बिलीविंग दैट कि आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं. सो ये जो तरीका है ये इंडेक्स ट्रेडिंग में भी वर्क करता है और स्टॉक ट्रेडिंग में भी वर्क करता है. बट करना क्या है, कैसे करना है, स्टेप्स क्या है वो सब समझते हैं. सी आपको पता है ना कि मार्केट के अंदर अगर हमें बड़ा पैसा अर्न करना है, बड़ा प्रॉफिट अर्न करना है सो क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें फाइंड करनी है, आइडेंटिफाई करनी है. सी सबसे पहली चीज़, इस मार्केट के अंदर आपको बड़ा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कब मिलेगा, जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा राइट. सो वी हैव टू फाइंड द ट्रेंडिंग मार्केट फर्स्ट. अब ट्रेंडिंग मार्केट अगर मिल जाएगा, ट्रेंडिंग मार्केट ऐसा तो नहीं है ना कि एवरी डे मार्केट ट्रेंडिंग होता है, नहीं, तो एवरी डे बड़ा पैसा मिलेगा नहीं, बट यस जिस दिन मिलेगा, जब जब मिलेगा उसको हम राइड कर सकते हैं. सो सेकंड पॉइंट ये आता है कि जब हमें मार्केट ट्रेंडिंग मिलता है तो हमें क्या करना होता है, उसे राइड करना होता है टू इट्स बेस्ट. यानी कि अगर मार्केट ऊपर चल रहा है, ऊपर जा रहा है सो हम इसे अगर इस पॉइंट पर बाय कर रहे हैं तो इस पॉइंट तक राइड कर पाएँ, टिपिकली हाई पॉइंट तक राइड कर पाएँ या हाई के आसपास तक. एकदम एग्जैक्ट हाई पे तो कोई नहीं एग्जिट करता बट हाई के आसपास अगर हम एग्जिट ले रहे हैं सो दैट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग बेटर देन अदर्स राइट. सो हमें करना क्या है, एज बीइंग अ ऑप्शन ट्रेडर हमें ये ध्यान देना है सबसे पहला चीज़ कि मार्केट हमें ट्रेंडिंग मिले. अब ट्रेंडिंग मार्केट की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे आप कि मार्केट आपका ट्रेंडिंग है या नहीं. सो ट्रेंडिंग मार्केट की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, उसमें एक इंडिकेटर का यूज़ करना है जिस इंडिकेटर को बोलते हैं हम EMA, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स का होता है, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स का होता है. यानी कि इसके अंदर हम एक वैल्यू इसे दे सकते हैं सो एक स्पेसिफिक वैल्यू का ट्रेंड हमें बताता है. यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे 21 पीरियड्स का, यानी कि हमें 21 लास्ट जो 21 कैंडल्स होती हैं उसका एक एवरेज प्राइस बताएगा ठीक है. और अगर जैसा कि इसके नाम से ही साफ है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये कि एवरेज प्राइस हमें प्रोवाइड करता है. सो अगर हम 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे, मार्केट उस 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली कैंडल्स बना रहा है सो हमारे लिए क्या होता है, वो मार्केट होता है अप ट्रेंडिंग मार्केट. यानी कि हम मार्केट का ट्रेंड अगर आइडेंटिफाई करना चाहें सो हमें अप ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है राइट. सो अप ट्रेंडिंग मार्केट कैसा, जो मार्केट पॉजिटिव हो और ऊपर चले इसके 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, सो दैट विल बी अप ट्रेंडिंग मार्केट. अगर मार्केट ऐसा ही हमारा ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डिक्लाइनिंग फेज में नीचे जाता हुआ और कैंडल जो है वो इसके नीचे फॉर्म हो रही है सो वो कहलाता है हमारा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट राइट. सो हमें पहली चीज़ ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करनी है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट्स पे लगा के. तो हम चलते हैं, सामने निफ्टी है हमारा. टाइम फ्रेम जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडर्स आप उसको ध्यान दें, टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे 15 मिनट यूज़ कर रहा हूँ राइट. बिकॉज हमें एक हेल्दी टाइम फ्रेम पे एक हेल्दी अच्छा ट्रेंड राइड करना है और ट्रेंड को राइड करना है
नॉट फॉर स्मॉल टारगेट्स, फॉर बिगर टारगेट्स. सो यहाँ पे ट्रेड्स जो आपके होंगे वो ट्रेड्स आपके इंट्राडे भी हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड्स आपको पोजिशनल भी आप इसको कैरी करके ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू. इफ़ यू वॉन्ट टू स्क्वेयर ऑफ योर पोजिशन, आपको इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आप चाह रहे हैं कि आप उसको इंट्राडे क्लोज करके जाएं, सो आप उसको इंट्राडे क्लोज करके जा सकते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू होल्ड दिस फॉर नेक्स्ट डे पोजिशनली ले जा सकते हैं आप उसको, तो आप उसको पोजिशनली ले जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. करना क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है. अब यहाँ पे जो मैंने आपको इंडिकेटर बताया उस इंडिकेटर को अप्लाई करना है. सो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में यूज़ कर रहा हूँ, आपको ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा. आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है, टाइप करना है EMA. टाइप करने के बाद यहाँ पे लिखा रहा है ना मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जैसे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे. सो देखो सामने ये ब्लू लाइन आपके चार्ट पे आ गया. अब ये ब्लू लाइन जो आ रहा है, आप यहाँ पे जाएंगे, ये इंडिकेटर लग गया है, इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे. देखो यहाँ पे लेंथ में क्या है हमारे पास, कुछ नहीं छेड़ना है आपको, सिर्फ लेंथ छेड़ना है. लेंथ में है 9, इसे हम चेंज करके कर देंगे 21, राइट. सो 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है मार्केट का, जिसे हम इंट्राडे के लिए भी राइड कर सकते हैं या थोड़ा बहुत स्विंग के लिए एक दो दिन के लिए भी हम राइड कर सकते हैं. नाउ आपको मैंने क्या बताया था कि आपको टिपिकली क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे मार्केट 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो क्या है, पॉजिटिव ट्रेंडिंग है. सो इसके ऊपर है तो पॉजिटिव है, जैसे इसके नीचे जाएगा तो ये नेगेटिव ट्रेंडिंग हो जाएगा, राइट. सो आपको पॉजिटिव ट्रेंडिंग मार्केट में बाय ट्रेड करने हैं और आपको नेगेटिव ट्रेडिंग मार्केट में सेल ट्रेड करने हैं, ठीक है. अभी तक मैंने सिर्फ ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन बताया है, ट्रेड कैसे आपको करना है समझाया है, अब बात करेंगे एंट्री की, ठीक है, और उसके साथ साथ एग्जिट की और एक ऐसा तरीका, ठीक है, तरीका बहुत ज़रूरी है वो, जिसकी हेल्प से आप बिग प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. देखो मार्केट के अंदर ट्रेंड जैसे मैंने बोला आपको एवरी डे एवरी टाइम नहीं मिलता है. तो हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, हमें ट्रेंडिंग मार्केट को राइड करना है फॉर बिग प्रॉफिट्स. सो हम बिग प्रॉफिट्स के लिए कैसे कहाँ पे राइड करेंगे और क्या वो पॉसिबिलिटी होगी कि जिस पॉसिबिलिटी को देख के हम इस मार्केट के अंदर जो रिवर्सल्स एकदम से अचानक से रिवर्सल आ जाते हैं मार्केट के अंदर, एकदम से मार्केट रिवर्स कर जाता है, घूम जाता है, उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि इस चीज़ को अगर हम फॉलो करेंगे तो फॉलो करने पे अपने को क्या रिजल्ट मिलेगा कि अगर मार्केट पॉजिटिव जाएगा, मतलब अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में वर्क करेगा तो हमें भी अच्छा प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा यानी कि ट्रेंडिंग नहीं होगा तो हमें एक एग्जिट भी दे देगा अच्छे प्राइस पे कि आप निकल जाओ, राइट. कैसे, अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम देखें फ्रॉम दिस पॉइंट निफ्टी ने क्या किया, इस पॉइंट पे आके 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज किया, यहाँ से कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर मूव करना स्टार्ट कर गया. अब हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कब तक चलेगा, राइट. सो हमें क्या करना है, इस ट्रेंड को पूरा राइड करना है मैक्सिमम पॉसिबल जितना हम इसमें कर सकते हैं. सो यहाँ पे जब हमें 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट मिला, ठीक है, 15 मिनट कैंडल ने यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं आपको पीछे जाके सो आपको और अच्छे से समझ आएगा, 15 मिनट कैंडल ने यहाँ पे क्या किया, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया. हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, सो हम अपनी एंट्री कहाँ करेंगे. सी, ब्रेकआउट आने के बाद, ये 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसमें ब्रेकआउट आने के बाद हम एक रेड कैंडल का वेट करेंगे, ठीक है, ब्रेकआउट आने के बाद हम एक रेड कैंडल का वेट करेंगे. सो यहाँ पे हमें देखिए ब्रेकआउट मिला इस कैंडल के अंदर, उसके बाद यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल मिला. अब जैसे ही हमें वो रेड कैंडल मिलेगा हम उस रेड कैंडल का जो हाई पॉइंट होगा उसे मार्क कर देंगे, वी विल मार्क द हाई पॉइंट ऑफ दैट रेड कैंडल. अब देखो यहाँ पे हमें रेड कैंडल में और थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, इधर यहाँ पे हमें ये रेड कैंडल मिला आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस, हमने इस रेड कैंडल का हाई मार्क कर लिया. आपको पता है ना कि हमें 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्या करना है, बाय ट्रेड फाइंड करने हैं, ठीक है, बाइंग के लिए. सो हम बाय कब करेंगे, जब इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस आएगा तो हम बाय करेंगे. सो पहली कंडीशन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट मिला, कैंडल इसके ऊपर बन रहा है, ठीक है. दूसरा, हमने एक रेड कैंडल का वेट किया, रेड कैंडल मिला, उसका हाई मार्क कर लिया. सो क्या नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक हुआ, नहीं, तो हमें एंट्री मिला नहीं. हमें क्या मिला, हमें एक और रेड कैंडल मिल गया, ठीक है. अब एक और रेड कैंडल मिल गया तो हम क्या करेंगे,
ये जो रेड लाइन है इसको शिफ्ट करके इस रेड कैंडल के हाई पे ले आएंगे, यानी कि हमारा जो बाइंग प्राइस होगा अब इस हाई के ऊपर होगा, राइट। सो क्या नेक्स्ट कैंडल के अंदर इसका हाई प्राइस ब्रेक हुआ? नहीं हुआ, यानी कि अभी तक हमने बाय नहीं किया है। सो ये थर्ड कैंडल क्या हुआ, ये भी एक और रेड कैंडल मिल गया, तो इसे हमने हाई पे मार्क कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये थर्ड रेड कैंडल क्या कर रहा है, ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर रहा है। अब इसे देख के बहुत से लोग ऐसे समझेंगे कि यार ये तो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर गया, तो मतलब यहाँ पे हमें बाइंग ट्रेड नहीं फाइंड करना है। नो, आप क्या करेंगे, देखो ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पे 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही कैंडल क्लोज कर रहे थे। अगर यहाँ पे एक और कॉन्जिक्यूटिव कैंडल मिल जाए जो कि कंप्लीट कैंडल 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चला जाए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर आप सेलिंग ट्रेड, सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। मार्जिनली इसके पास आके क्लोज कर रहा है, इसी लाइन पे क्लोज कर रहा है, सो दैट इज सेइंग कि मार्केट का जो ट्रेंड है, ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, राइट। सो अब आपको थर्ड रेड कैंडल मिला, इसका आपने हाई मार्क कर लिया, इसके बाद क्या हुआ, देखो एक ग्रीन कैंडल मिला, फिर से ग्रीन कैंडल मिला, और इस ग्रीन कैंडल में आके कहीं हमने इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आके हमने हाई ब्रेक किया, दैट मीन्स इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर हम निकले, सो यहाँ इस कैंडल के अंदर हमारा जो ट्रेड है वो बाय के अंदर ट्रिगर हो गया, ट्रेड ट्रिगर हुआ, यहाँ पे बाय ऑर्डर हमारा इनिशिएट हो गया। अब बाय करने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे हम, मैं यहाँ पे एक टूल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे इस हाई के ऊपर हमारा ट्रेड ट्रिगर हुआ बाय में, स्टॉप लॉस रखेंगे हमारे पास जो हमारा रीसेंट लो, स्विंग लो मार्केट ने बनाया हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ऊपर से नीचे आया, इधर लो बनाया, यहाँ से फिर ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, सो ये जो लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। लो पॉइंट क्या है एग्जैक्टली, 31 रुपी का स्टॉप लॉस आ रहा है, हम इसको 5-7 रुपये का बफर दे के 40 रुपीज़ का या 38 रुपी का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देते हैं। अब ये हमने बाय किया, अब देखो बाय हुआ आपका 3 बजे की कैंडल में, अब उसके बाद तो मार्केट क्लोज हो जाता है 3:15, 3:30, तो सो जैसे कि मैंने आपको बताया ये ट्रेड आपका इंट्राडे भी चलेगा और पोजिशनली भी जा सकता है। अब आप देखो सेम डे तो आपका जहां आपने बाय किया उसी के पास आपका मार्केट क्लोज हो गया। अब आप बाय करेंगे कहां पहले, तो ये भी समझिए, जैसे कि ये एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, ऑप्शंस के अंदर आपको यूज़ करनी है। सो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे, निफ्टी क्या चल रहा है 16,267 के हाई के ऊपर आपको बाय करना था, तो आप क्या कर सकते हैं 16,250 का ऑप्शन, वीकली ऑप्शन जो कि ऐड द मनी ऑप्शन होगा, उसकी कॉल बाय कर सकते हैं, और कॉल बाय करके आप उसको छोड़ देंगे, राइट। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे स्विंग पॉइंट के अकॉर्डिंग बन रहा है 40 पॉइंट, आप स्टॉप लॉस यहाँ पे इस प्राइस पे लगाएंगे नहीं अपने कॉल में, जैसे ही मार्केट अगर इस प्राइस के नीचे आके यहाँ पे हिट करता है, यहाँ आता है, तो आप जो भी इसका आपकी कॉल का CMB चल रहा होगा, करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा, आप उस प्राइस पे इसको एग्जिट कर देंगे, यानी कि आपने जो स्टॉप लॉस और टारगेट और एंट्री जो डिफाइन करनी है वो निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट के अकॉर्डिंग, ना कि कॉल या पुट के चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। आपको निफ्टी का चार्ट देखना है, कॉल पुट का चार्ट नहीं देखना है। आपने टिपिकली इस पॉइंट पे एंट्री किया निफ्टी का चार्ट देखते हुए, स्टॉप लॉस मिला आपको इस पॉइंट पे 40 रुपी का, सो वो आपने रख लिया। अब बात करते हैं इसको राइड करने की, और बात करते हैं इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, कि राइड तो हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा हम क्या करें जिससे हम ट्रेंडिंग मार्केट जब आता है तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से राइड कर पाएं। और देखो हमने यहाँ पे एंट्री किया है दोस्त, एंट्री करने के बाद हमें ये तो नहीं पता ना, ये प्रोबेबिलिटी भी तो हो सकती है ना कि नेक्स्ट डे ही मार्केट हमारा स्टॉप लॉस सेट कर दे, राइट, दिस ऑल्सो कैन हैपन। सो हम उस चीज़ के लिए भी पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। वो प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, सी अगर आपको इस मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा पैसा कैसे कमाया जाता है, बाय द टर्म पिरामिडिंग, ठीक है, पिरामिडिंग करनी होगी आपको, पिरामिडिंग करके ही आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अब ये पिरामिडिंग जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको आप समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ आप इस मार्केट में कैसे बड़ा पैसा निकाल सकते हैं। सी अगर आपके पास कैपिटल है, मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास 100 रुपया है, आपकी कैपेसिटी है 100 रुपये के खरीदने की, सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 100 रुपये का नहीं खरीदेंगे, आप कितना खरीदेंगे, आप खरीदेंगे यहाँ पे 40 रुपया, बाकी 60% ऑफ योर कैपिटल आप स्पेयर रखेंगे,
ठीक है, आप उसको बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग। या मैं 100 रुपए का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपके पास हो सकता है 10,000 हो, आपके पास 1 लाख हो, 10 लाख हो, यानी कि आपको अपने कैपिटल का 40% जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय करना है, लगाना है, बाकी 60% आपने रख देना है। ठीक है, 40% आपने लगाया, एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो आपने 40,000 रुपये 40,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया, कॉल खरीदा और छोड़ दिया। अब आपको नेक्स्ट जो है इसके अंदर फिर से पैसा कब डालना है, आपको पैसा 3 बार में डालना है, एक ही बार में पूरा पैसा नहीं डालना है मार्केट को। क्यों नहीं देना एक ही बार में, क्योंकि हमें नहीं पता दोस्त कि ये मार्केट कितना ट्रेंडिंग होगा, कहाँ तक ट्रेंडिंग होगा, और ये ट्रेंडिंग होगा भी या नहीं होगा। सो अगर मैं एक ही बार में अपना पैसा पूरा यहाँ पर डाल दूंगा तो उससे क्या होगा, अगर नेक्स्ट डे मार्केट सीधा सीधा नीचे खुला और ये मेरा स्टॉप लॉस हट कर गया तो क्या हो जाएगा, मुझे बड़ा लॉस होगा। सो बड़े लॉस वाली, बिग लॉस वाली कैटेगरी में हमें नहीं जाना है। ठीक है, हमें बड़े प्रॉफिट अर्न करने हैं, और बड़ा प्रॉफिट कब आता है, जब हम कैलकुलेटिव वे में अपने पैसे को मैनेज करते हैं। बिकॉज ये जो गेम है ये मनी मैनेजमेंट का है, ये गेम ऐसा नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं, राइट। सो इधर हमारे पास पैसा है 1 लाख, सो 1 लाख का 40,000 हम यहाँ डालेंगे, दैट इज 40,000, 40%, 40% पहले डालेंगे, फिर 30% डालेंगे, और फिर उसके बाद 30% डालेंगे। ऐसे हम 3 पार्ट में अपने कैपिटल को डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे पहला एंट्री मिला, 40,000 लगाया, अब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ गैप अप, फिर से देखो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट 30% आपने कब डालना है, जब मार्केट 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास एक रेड कैंडल फॉर्म करेगा और उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट देगा। जैसा आपका एंट्री टेक्निक था, यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म किया, रेड के हाई के ऊपर गया, आपने बाय किया, सेम वही टेक्निक आपको यूज़ करना है। बट अब आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ कि मार्केट 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के दूर नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए। जैसा कि ये कैंडल बना, ये कैंडल क्या बना, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। अब आपने 40,000 रुपये 40% यहाँ डाला था, ठीक है, और आप बाय करके बैठ गए। अब इस कैंडल के हाई के ऊपर, यानी कि इधर एक लाइन में और ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर आप 30,000 और डिप्लॉय कर देंगे। अब आपका टोटल कितना लग गया, 70,000। 1 लाख रुपए आपके पास था, 70,000 आपने लगा दिया, अभी भी यू आर स्टिल लेफ्ट विद 30,000। ठीक है, सो ये हम क्या कर रहे हैं, ये इवेंचुअली हम अपने विनिंग ट्रेड को, ये हमारा विनिंग ट्रेड है, हम अपने विनिंग ट्रेड को एवरेज कर रहे हैं, ना कि अपने लूजिंग ट्रेड को। सो अगर अपने विनिंग ट्रेड को हम एवरेज करेंगे तो हमें एक बढ़िया अच्छा बड़ा मुनाफा प्रॉफिट इस मार्केट से लेने को मिलेगा। अगर हम अपने लूजिंग ट्रेड को एवरेज करते रहेंगे तो भाई हम पैसा दे के आएंगे इस मार्केट को, लेके नहीं आएंगे, राइट। सो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे यहाँ बाय किया। अब बाय करने के बाद आप देखो, पहला बाइंग प्राइस आपका यहाँ था, दूसरा बाइंग प्राइस यहाँ हो गया, तो एवरेज प्राइस आपका इन बिटवीन आ जाएगा, राइट। सो आप क्या करेंगे, अपने एवरेज पॉइंट के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, ठीक है। और वो ट्रेल कैसे करते हैं स्टॉप लॉस को, जब तक आपका मार्केट 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मूव कर रहा है, ये क्या है, अप ट्रेंडिंग मार्केट है, तो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यानी कि पहले आपका स्टॉप लॉस पॉइंट था यहाँ, अब आप स्टॉप लॉस पॉइंट यहाँ ला सकते हैं, जो कि आपके एवरेज कॉस्ट से भी ऊपर होगा। यानी कि इस केस में आपने जहाँ एवरेज किया, एवरेज के बाद मार्केट और ऊपर गया, बट आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस आपके एवरेज प्राइस से ऊपर मिल जाएगा, जिस केस में आपको लॉस नहीं होगा। 40,000 यहाँ लगाया था, 30,000 यहाँ लगाया, 70,000 डिप्लॉय कर दिया, अभी भी 30,000 बचा है। नेक्स्ट 30,000 क्या करेंगे, फिर से हम वही चीज़ करेंगे, नेक्स्ट 30,000 मार्केट के अंदर हम फिर वेट करेंगे। किस चीज़ का, कि मार्केट हमें ट्रेंड रहे, हमें नहीं पता भाई कि 2 दिन 3 दिन 1 दिन कितना चलेगा, कैसा चलेगा, बट हम इसको मैक्सिमम राइड करना चाहते हैं। मैक्सिमम राइड करने के लिए फिर से हमें 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास एक रेड कैंडल चाहिए। सो यू कैन सी कि यहाँ पे एक और कैंडल मिल रहा है विच इज़ वेरी क्लोज टू 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो ये वाला कैंडल मिल रहा है विच इज़ वेरी क्लोज टू 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप इस कैंडल को कंसिडर कर सकते हैं। आई विल कंसिडर दिस बिकॉज ये कैंडल भी छोटा कैंडल है और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग के बिल्कुल पास है। सो मेरा जो बचा हुआ 30,000 है वो मैं यहाँ पे इस कैंडल का हाई मार्क करूँगा, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, इसके ऊपर निकलेगा, आई विल एंटर विद द रेस्ट 30,000
विच इज़ अवेलेबल। और यहाँ पे मैं बात करूँ ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस की, तो आपने इस पॉइंट पे किस स्ट्राइक प्राइस में एंटर किया था? एटीएम स्ट्राइक प्राइस में। तो यहाँ का एटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या था? 16,250। यहाँ जब मार्केट आया तो ये क्या था? क्लोज टू 350 था। तो आपने किस स्ट्राइक प्राइस में एंटर किया? 250 वाली नहीं, अगेन 16,350। ठीक है, अब यहाँ जब आप आए तो यहाँ मार्केट का प्राइस क्या है? 16,480। तो यहाँ पे आप किस स्ट्राइक प्राइस में एंटर करेंगे? 16,450। ठीक है, सो आप ये कॉल बाय कर रहे हैं, ये कॉल बाय कर रहे हैं, ये कॉल बाय कर रहे हैं। और कौन सी कॉल बाय कर रहे हैं? जब भी आप बाय करें आप एटीएम कॉल बाय कर रहे हैं, राइट? एटीएम कॉल बाय कर रहे हैं, एटीएम कॉल बाय कर रहे हैं, राइट? एट द मनी कॉल बाय कर रहे हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, आप उसको राइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपने बचा हुआ अपना 30,000 लगा दिया। अब पूरा का पूरा 1,00,000 जो है वो हमने इस मार्केट के अंदर एंटर कर दिया है, राइट? अब हम यहाँ से क्या करेंगे? सिंपली बैठ जाएंगे। जब तक मार्केट 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है, कैंडल क्लोजिंग अबव 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप इसे राइड कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे एक कैंडल क्लोज कर देगा, आप इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल के अंदर एग्जिट ले लेंगे, और वो एग्जिट होगा आपका सभी के सभी जितनी पोजिशंस थी आप सभी को एग्जिट करके डन कर देंगे अपना ट्रेड। एंड लाइक दिस वे आप क्या कर गए, आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो इस ट्रेड में आप एंटर हुए थे कहीं 16,250-16,270 के आसपास, और आपको एग्जिट मिला 16,530 के आसपास। सो इफ वील कैलकुलेटेड लाइक दिस, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना होता है? होता है अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी में 250 पॉइंट्स। ठीक है, अब ये 250 पॉइंट्स क्या हमें एवरी डे राइड करने को मिलेंगे? नो। क्या हमें हर हफ्ते राइड करने को मिलेंगे? दैट इज ऑल्सो नो। बट अगर मंथ में एक से दो ट्रेड आपको ऐसे मिल गए विच कैन मेक यू बिग प्रॉफिट्स, और वो भी विद द हेल्प ऑफ एवरेजिंग, आप ये चीज़ समझिए, अगर इस ट्रेड में आपको पैसा बनने को मिला है, पैसा आपने बड़ा बनाया है, तो कैसे बनाया है? आपने अपने विनिंग ट्रेड को एवरेज किया है, ना कि आपने अपने लूजिंग ट्रेड को। वाइस वर्सा केस हम देखें, एक एग्जांपल यहाँ पे भी देखो, यहाँ क्या हुआ, प्राइस ने 21 एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक कर दिया, फिर इसके ऊपर जा रहा है, फिर से ब्रेक कर दिया। अब यहाँ जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया 21, सो यहाँ बाइंग के केस में हम क्या कर रहे थे? रेड कैंडल फाइंड कर रहे थे, रेड कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री करना था। सेलिंग के केस में हमें क्या करना है? सेलिंग के केस में हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल फाइंड करना है, एक ग्रीन कैंडल के लो के नीचे एंटर करना है, राइट? सो अगर आप देखें यहाँ पे मुझे एक सेलिंग ट्रेड मिला, अब ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मींस मार्केट शॉर्ट टर्म में जो है डाउन ट्रेंडिंग है। तो मैंने डाउन ट्रेंडिंग में एक डाउन ट्रेंड ट्रेड लिया, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट किया। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस देखो मेरा क्या आएगा, इस स्विंग पॉइंट के आसपास जो कि मेरा प्रीवियस स्विंग पॉइंट है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, स्टॉप लॉस आया मेरा 64 पॉइंट का, राइट? अब मैंने ये ट्रेड में एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस मेरा आ गया, मैंने इस पॉइंट पे क्या किया, ये जो मेरा एंट्री पॉइंट है ये कहाँ है एग्जैक्टली, मैं ये लाइन उठा के लाऊं, सो ये है क्लोज टू 16,500। सो मैंने इस पॉइंट पे 16,500 वाला पुट बाय कर लिया, भाई व्यू मेरा शॉर्ट का है, सो मैंने यहाँ पुट बाय कर लिया। अब आप देखिए द वेरी सेम डे मार्केट रिवर्स बैक और इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। बट अगर इसने स्टॉप लॉस हिट भी कर दिया तो आपने समझदारी और मैंने समझदारी क्या करनी है, इफ़ आई हैव अ कैपिटल ऑफ अगेन 1,00,000 तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 40,000 लगाना है, 40% ऑफ माई कैपिटल, बिकॉज वी नेवर नो कि ये ट्रेड कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, कैसे चलेगा। सो ये ट्रेड नहीं चला, यहाँ से ये रिवर्स किया, सो 40% मतलब 40,000 लगाया। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे पूरा का पूरा 1,00,000 लगाता तो क्या होता, मेरा लॉस बड़ा हो जाता, चाहे ये 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, बट मैंने 40% लगाया, उससे क्या हुआ, अगर ये ट्रेड गलत भी हुआ तो भी मुझे बड़ा लॉस नहीं हुआ। उसके बाद देखो मार्केट फिर से ऊपर चला गया, 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर गया। सो आप इस केस में दो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, या तो आप स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे आपने रखा हुआ है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, नहीं तो जैसे ही आपका कोई ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर 21 EMA के ऊपर क्लोज करे आप यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं,
राइट। सो आपने यहाँ एग्जिट कर लिया, ये ट्रेड आपका हो गया स्टॉप लॉस वाला, एक ट्रेड हमारा गया प्रॉफिट वाला, एक ट्रेड हमारा गया स्टॉप लॉस वाला। चलो आगे देखते हैं और क्या होता है। अब यहाँ जब 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर गए, सो हमने क्या करना है, फिर से एक बाइंग ट्रेड फाइंड करना है। बाइंग ट्रेड फाइंड करने के लिए हमें एक रेड कैंडल चाहिए और रेड कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। सो रेड कैंडल के हाई के ऊपर हमने बाय करना है। अब देखो रेड कैंडल मिला ये वाला, इसके हाई के ऊपर निकले नहीं, इसका नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो एक डोजी कैंडल रेड कैंडल है। सो हम उसके ऊपर अगर देखें, यहाँ पे ये वाला कैंडल, सो इसके ऊपर हमें बाइंग करने को मिला। चलो हम बाय करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर बाइंग लगाते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, अगेन जो हमारा स्विंग पॉइंट है, लेटेस्ट स्विंग पॉइंट अगर हम देखें तो हमारा क्या है, क्लोज टू है दिस, विच इज 77 से 80 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। और मार्केट क्या हुआ, जहाँ हमने बाइंग किया उसके बाद मार्केट ने एक दो कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, मार्केट क्लोज हो गया। अब क्लोजिंग के बाद आपने क्या करना है, यहाँ मार्केट क्लोज हो गया, इसके बाद नेक्स्ट डे ओपन हुआ, ओपन हुआ गैप अप ऊपर गया, आपने यहाँ पे लगाया था 40,000। अब आपको अपना रिमेनिंग 30,000 डिवाइड करना है। ट्रेड आपको पता लगा कि यार ट्रेंड मेरा सही पकड़ा है मैंने, यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग पॉजिटिव हुआ है, चलो जी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट 30,000 हमें कब लगाने हैं, जब हमारा मार्केट 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास एक रेड कैंडल बनाएगा, उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। सो हमारा 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास रेड कैंडल बना, ये वाला कैंडल, इसके हाई के ऊपर हमें बाय करना था और 30,000 लगाने थे। ठीक है, क्या इसके हाई के ऊपर मार्केट गया, आंसर इज नो। तो क्या हमें और एवरेज करने को मिला, नो। और यहाँ से इस कैंडल के अंदर, लुक एट दिस कैंडल, इस कैंडल ने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दिया। सो जैसे ही कैंडल ने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दिया, हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे, एग्जिट। ठीक है, ऐसे पॉइंट पे हम करेंगे एग्जिट। सो एग्जिट हम करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, जैसा ये नेक्स्ट वाला कैंडल ओपन हुआ। सो हमें कितना पॉइंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 56 पॉइंट का। अब फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये 56 पॉइंट है, बट जब हमने यहाँ एंटर किया था, विच इज 16,560 पे जब निफ्टी था, सो हमने यहाँ पे 16,550 का ATM कॉल बाय किया होगा, राइट। और अगर फ्यूचर में 56 पॉइंट का गेन आया है, तो आपके कॉल में आपको 25 से 30 रुपए का ही गेन मिलेगा, या 20 से 25 रुपए का ही गेन मिलेगा। सो दैट मीन्स हमें कोई मेजर गेन नहीं मिला यहाँ पे हम एग्जिट करके, बट हमने किया क्या था, 40% डिप्लॉय किया था, और मार्केट ने फिर से ट्रेंड को यहाँ पे रिवर्स कर दिया और हम एग्जिट कर गए। अब हम अगर नेक्स्ट ट्रेड फाइंड करें यहाँ पे, व्हिच विल बी द लास्ट एग्जांपल फॉर दिस सेशन। सो यहाँ पे मार्केट ने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर ब्रेक कर दिया, नीचे है, डाउन ट्रेंडिंग है, तो हमें क्या करना है, ग्रीन कैंडल फाइंड करना है, ग्रीन कैंडल के लो के ऊपर हमें शॉर्ट करना है। सो हमें ग्रीन कैंडल मिला, उसका लो मार्क कर लेते हैं इधर, और ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हमें यहाँ पे देखो एंट्री मिल गया। मैं बाकी ये जो लाइन है ये डिलीट कर देता हूँ। सो इस केस में हमने क्या किया, इधर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे एक ग्रीन कैंडल के नीचे शॉर्ट किया। अब यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस देखूँ, देखो ये स्विंग पॉइंट के आसपास, तो फिर से मेरा 84 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, ये मैंने लगाया। मार्केट ने फॉर दैट डे क्या किया, पूरा दिन यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड हमें दिया, राइट, इस पॉइंट पे, इस कैंडल के नीचे। और आप अगर आप देखेंगे तो ऑल दो ये आपको सेकेंड एंट्री भी जो है वो सेम डे दे रहा है, बट हम सेकेंड एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज सेकेंड एंट्री हमारी फर्स्ट एंट्री के पास आ रही है। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि मार्केट हमारे ट्रेंड में मूव करे, देन हम अपना सेकेंड एंट्री लें, सेम प्राइस पे सेकेंड एंट्री नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 40,000 यानी कि 40% अपना कैपिटल डिप्लॉय किया। अब आप देखो नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, सीधा सीधा गैप डाउन दिया और कहीं 200 पॉइंट का टारगेट दे रहा था, बट मैंने वो 200 पॉइंट नहीं लिया, मैं तो मार्केट को देख के राइड कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, सेकेंड एंट्री कहाँ करनी है, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास रेड कैंडल बनेगा तो हम सेकेंड एंट्री करेंगे। सो ये कैंडल देखो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है, छोटा है, सो इसके लो के ब्रेक पे, ठीक है, एट द ब्रेक ऑफ द लो ऑफ दिस कैंडल, इसके लो के ब्रेक पे हम यहाँ पे अपना जो अगेन नेक्स्ट 30,000 है वो यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। अब हमने यहाँ 30,000 डिप्लॉय किया, हमारा एवरेज प्राइस कहाँ गया होगा, बीच में यहाँ कहीं, बट यहाँ हुआ क्या, मार्केट देखो और नीचे नहीं गया, साइडवेज रह के इधर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया इस कैंडल में। सो हम यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ इसके ऊपर, इधर हम
एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज द वे दैट विल हेल्प यू टू अर्न बिग प्रॉफिट्स। यहां पे आपको लॉसेस बड़े नहीं होंगे, कभी भी यहां पे चांसेस ऑफ लॉस बड़ा नहीं जाएगा, बट यस चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स बड़े जाने के बहुत अच्छे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसा उसके साथ काम कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अपने विनिंग ट्रेड को एवरेज कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द टेक्निक विच आई हैव टोल्ड यू ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि हमारे पोजिशनल ट्रेड के लिए जा रही थी। सो आई हैव फ्यू टेक्निक्स विच वर्क्स फॉर डे ट्रेडिंग ऑल्सो, इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए भी टिपिकली जो यूज होती है। सो ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं मास्टर क्लास के अंदर, जो मास्टर क्लास के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ, एंड दोज आर ऑल्सो वेरी गुड वेरी नाइस टेक्निक, जिसके अंदर हमारा रिस्क हमेशा लिमिटेड रहता है, रिवॉर्ड हमेशा बढ़िया रहता है, राइट। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड फॉर दैट, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन होगा फॉर द मास्टर क्लास। यू कैन रजिस्टर फॉर द अपकमिंग मास्टर क्लास वेयर यू विल गेट ऑल द ज्ञान्स रिलेटेड टू इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड आई बिलीव आपको ये वाला ज्ञान भी पसंद आया होगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग मिस कर रहे थे, एंड ये फॉलो करने से आपके ट्रेड्स जो हैं, जब जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तब तब आपको बढ़िया ट्रेड्स देगा, जब जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा तो आपको क्या होगा, छोटा लॉस या एट कॉस्ट के आसपास आपको एग्जिट दे देगा, राइट। सो दिस इज द एंटायर सेशन ऑन हाउ टू अर्न बिग प्रॉफिट्स वाइल डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रॉम दिस मार्केट। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। सो जल्दी जल्दी 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा कीजिए। आई विल कम आउट विद मोर वीडियोस ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग लाइक दिस इन नियर फ्यूचर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।